हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा है आप लोग भी अच्छे से होंगे अपने परिवार के साथ। भगवान आपके और आपके परिवार को सुखमय जीवन दे, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों, मैं अपना कहानी बताऊंगा। सबसे पहले कि मुझे जो है 2016 में मैं तेजपुर में पोस्टेड था, तो वहाँ मुझे डायबिटीज़ का हल्का सा सिम्टम्स हुआ और मैं चेकअप कराया, तो मतलब कि डायबिटीज़ डॉक्टर बताए थे कि भाई आपको परहेज करना है, और दवाई वाई खाया, उसके बाद ठीक हो गया। तो 2016 के बाद जो है 17 गया 18 में, और मैं दवाई खाता था और मैं छोड़ देता था। तो 18 और 19 में जो है 19 से मुझे नहीं 19 18 में किसी ने बताया, मुझे 18 में ही कोई हमारे एक साथी थे, दोस्त थे, बताए थे कि आप जो है क्या कीजिए कि सुबह सुबह जो है खाली पेट करेला, खीरा और टमाटर को पीस के उसको जूस निकालिए और जूस खाली पेट पीजिए। खाली पेट पीने के बाद वो जो है उसके बाद करीब तीन से चार घंटा के बाद आप कुछ खाना खाइएगा। तो मैं भी वही सुन लिया, सुनने के बाद मैं उसी तरह के अब फैमिली रखा था, तो वहाँ जो ना जूस निकाल के मिसेज एक गिलास देती थी, मैं पीता था, तो मुझे बहुत आराम मिला उससे। और उस टाइम से ले कर आज तक, जब मैं वहाँ से पोस्टेड गया रजौरी में, तो वहाँ लोकल थे, रजौरी में लोकल कश्मीरी लोग, तो एक ऐसे बुज़ुर्ग थे सज्जन, तो उनको घूमते रहते थे, आते रहते थे, मिलते रहते थे, वो उनको बताया, वही पूछे क्या खा रहे हैं, मैं कही दवाई खा रहा हूँ, तो बोले कि दवाई जो है इससे अच्छा आप जो चीज़ जूस पी रहे हैं, जूस नहीं निकल रहा है, तो उसके जगह पे आप खीरा काट लीजिए चार टुकड़ा पाँच टुकड़ा, टमाटर काट लीजिए, करेला काट लीजिए, और थोड़ा भिगोया हुआ चना काट लीजिए, चना भिगो लीजिए और एक कटोरी में डालिए, और उसको सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, खाइए, और खाने के बाद आप जो है खाना जो है तीन से चार घंटे के बाद खाइएगा। तब से दोस्तों आज तक मैं जो है ना, बीच में मेरे को दिक्कत भी हुआ था, हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, फिर मैं उसको मेदांता में ऑपरेशन ऑप्शन करा के BRS ले लिया, अभी घर पर हूँ, लेकिन मेरा डायबिटीज़ वहाँ से ना अभी तक बिल्कुल नॉर्मल है। मैं दवाई कभी खाता हूँ और डॉक्टर लोगों के एडवाइस के ऊपर, तो कभी मतलब लोग बोलते हैं कि ठीक है हल्का फुल्का दवाई लेते रहना, फिर उसके बाद बोले छोड़ दिए, और अभी जो है वही चीज़ मैं अभी तक खा रहा हूँ और मेरा डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। तो डाइट के ऊपर जो है ना डायबिटीज़ बहुत डिपेंड कर रहा है, डाइट के ऊपर जो है ना क्या क्या हम खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसके ऊपर। और जो चीज़ मैं खा रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं कि खूब बड़ा एक्सपेंडिचर है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम मतलब वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम ये सब खाने के बाद जो है ना दो रोटी खाता हूँ 11 बजे करीब, 10-11 बजे का दो रोटी खा के दवाई खाता हूँ। तो दो रोटी, एक कटोरी दाल और सब्जी जो बना रहता है वो खाता हूँ। और ये चीज़ जो मैं खा रहा हूँ ये अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं तीन रोटी खा लेता हूँ, और ये जब खा लेता हूँ तो दो ही रोटी खाता हूँ, लेकिन हम डेली ये खाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या खाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देखिए अभी मैं घर पे बैठा हूँ, ये देखिए, ये है बादाम, यह है बादाम, कितना है 5 पीस, ये है खीरा, यह है टमाटर, ये नींबू रखा हूँ इसके ऊपर डालूँगा,
और ये है चना। देखिए दोस्तों चना में काटा हूँ, ये क्या किया टमाटर प्याज और ये, और इसमें जो है काटा हूँ करेला छोटा छोटा, हरा हरा दिख रहा है ना वो करेला करेला काट के और उसमें भी डाला हूँ। तो इसको मैं धीरे 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 ऐसे खाऊंगा, डेली का हमारा है दोस्तों ये रूटीन है ना। और ऐसा नहीं खीरा 20 रुपया 25 रुपया खीरा चल रहा है, एक खीरा काट लेता हूँ, एक खीरा में काट के सब जगह डाल तो एक टमाटर काटता हूँ, 5 बादाम ले लेता हूँ और एक मुट्ठी चना भिगाता हूँ और एक करेला कटवाता हूँ। तो पहले इसका जूस निकलवाता था, अब जूस नहीं निकाल के मैं डायरेक्ट यही खा लेता हूँ सुबह खाली पेट, क्योंकि सबसे पहले ये खा के तब मैं कुछ कोई काम करता हूँ। तो इससे जो है ना मेरे को बड़ी राहत है, हमारा शुगर जो है 120-130-140 से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन ये खाना मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ कि भाई अगर जिसको डायबिटीज़ है, शुगर पेशेंट है, शुगर है, तो इसको खाने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है इससे नॉर्मल रहे और पेट आपका इससे भर जाएगा, इससे पेट भर जाएगा तो आप खाना कम खाएंगे। खीरा आप एक खीरा रोज़ का एक खीरा खा ही सकते हैं, अपने हाथ से करना है भाई, आप किसी को भी डिपेंड रहेंगे तो नहीं होगा कि फैमिली है मैसेज काट के दे, बच्चा दे, लड़का दे, बहू दे, ये दे, ऐसा नहीं है। आप वॉकिंग के जैसे मैं जब वॉकिंग करता हूँ, वॉकिंग करके आता हूँ अपने हाथ से काट लेता हूँ, काट कूट के लेके बैठ जाता हूँ, वो लोग अपना काम करते हैं। तो ये हमारा रूटीन है और इस वजह से हमारा जो है ना अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे को जो HbA1 जो है वो मैं टेस्ट कराया था तो 5.5, 4.8, 5.2 यही आता है, इतना कभी भी चेक कराता हूँ तो वो इतना ही आता है। तो हमको मैं अभी ये खाने से आ रहा है क्योंकि मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं जब से खा रहा हूँ ये तभी से मेरा नॉर्मल है हर एक चीज़। और दोपहर 11-12 बजे मैं जो खाना खाता हूँ वो 2 ही रोटी खाता हूँ और 1 कटोरी दाल और सब्जी है ना, वही वो खाता हूँ, क्योंकि ये जब खा लेने के बाद 11-12 बजे उतना भूख नहीं लगता है, उससे ज़्यादा नहीं खा पाता आदमी। फिर शाम को जो है वही 8-9 बजे फिर एक रोटी या दो ही रोटी मैं 2 रोटी से ऊपर जाता ही नहीं हूँ। मैं दाल बना रहेगा तो 2 कटोरी दाल पी लूँगा, सब्जी होगा तो 100 रोटी सब्जी खा लूँगा। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप लोग भी इसका सेवन कीजिएगा जिनको है। चलिए शुरू करते हैं, देखते देखिएगा, जय हो प्रभु जी। देखिए सबसे पहले खीरा उठाया, खीरा को जय हो दोस्तों, देखिए इसको हटा दिया जाए और यहाँ रख देते हैं और ये शुरू करते हैं। खीरा मेरे को लगता है ना हर जगह 20 रुपया 25 रुपया यही चल रहा है। टमाटर है 25-30 रुपये भी चल रहा है, एक ही रोज़ का एक टमाटर लेना है, रखा नहीं कि ज़्यादा हम खा रहे हैं।
ये चीज़ जो है मुझे रजौरी में जो बताया था ना, लोकल थे लोग, और पहाड़ी पर रहते हैं लोग भाई, उन लोगों को अच्छा नॉलेज रहता है आयुर्वेदिक संतु ये सब बताया था। बादाम को बोले थे कि बादाम जब भी खाना है खुद कुचना है उसको, कुचने से क्या होगा कि वो लिक्विड हो जाएगा, तरावट बनेगा, एकदम बारीक हो जाएगा, जो हमारा शरीर पे शरीर का अंदरूनी जो अंग है ना उस पे से फैलेगा, कवर करेगा जो भी चीज़ पर, वो फ़ायदा करेगा। बहुत हम देखते हैं आदमी खाते हैं, मुंह में डाला दो बार इधर पूरा अंदर कर दिया, तो इसको खूब पूछना है। ये देखिए प्याज है इसमें, टमाटर है और चना है, चना भी गिने चुने है, ज़्यादा नहीं है, चना भी सलादे ज़्यादा है।
ये है दोस्तों करेला, करेला भी इसमें काटा है बारीक बारीक। ये चीज़ सब लोग खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी भी खाए तो पेट भर जाएगा, खाना कम खाएगा। और सलाद है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ नुकसान करेगा। थोड़ा करेला है बारीक बारीक तो कड़वा तो लगेगा ही। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा यह छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये जो है ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर मतलब कि इसमें कोई कमी है या हम गलत कुछ कर रहे हैं उसके भी कमेंट कीजिएगा, या ये चीज़ है तो सबको लिए मतलब कि बढ़िया है, सब लोग अमल करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप लोग भी ज़रूर इससे प्रभावित होंगे और दिनचर्या में ये ज़रूर शामिल करेंगे। तो कल जो है ना कोई दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ओके।